हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का पैल वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हमने बॉस फाइट करी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। आई थिंक 4-5 एपिसोड से ऊपर हो गया है। इतना मुझे याद है कि हम लास्ट टाइम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे एंड वहाँ पे हमें कुछ नए पैल्स वगैरह मिले थे। बहुत ही क्रेजी था वो। एंड उसके बाद मैं ऑफलाइन खेला दोबारा, क्योंकि ऑफलाइन खेलता ही हूँ मैं, मेरे को आदत हो गई है थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए। एंड काफ़ी कुछ हुआ ऑफलाइन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या कैसे, मतलब कैसे तो तुम्हें पता ही है, मतलब कितना लेवल अप हो चुका हूँ मैं। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ सब कुछ। ओके यस, तो बेसिकली मैंने दो इंक्यूबेटर और ऊपर लगा दिए एग्स को हैच करने के लिए। मैंने बहुत सारे एग्स को हैच किया, उनमें से कुछ नए पैल्स मिले, कुछ पुराने मिले, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन कौन से नए पैल्स मिले। और दो एग्स मैंने लगाए हुए हैं इसको, अभी मैंने मतलब जब इसको लगाया तो 2 घंटे दिखा रहा था, अभी 15 मिनट बीत चुका है इसमें, और ये अभी 10 मिनट में खुलना ही वाला है। मैंने एक नया वर्क बेंच लगा लिया, ये वेपन्स वर्क बेंच है बेसिकली, नए वेपन्स खुल गए इसमें, और देख सकते हो उसमें कौन कौन से नए वेपन्स हैं। हैंड गन है जो कि मैं बना चुका हूँ मेरे इन्वेंटोरी में, तो मैं दिखाता हूँ अभी। एंड ये एक नया, अभी जब मैं ऑफलाइन खेला तो रिसेंटली ही लेवल अप हुआ मैं, और उस पर एक नया वेपन खुल गया। इसको बनाने के लिए बेसिकली रिफाइंड इनगोट चाहिए, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है पूरा। प्लस कुछ नए पैल्स हैं मेरी टीम में, जैसे कि ये रहा बी का नाम है भाई इसका। बेसिकली मेरे बेस पे रेड हुई थी, फ्लाइंग पैल रेड करके कुछ लिखा हुआ आ रहा था, उसमें बहुत सारे फ्लाइंग पैल आए थे। एक तो ये बीकन आया था, नाइट विंग आया था, और ग्लेस क्लो आए थे। तो उनमें से दो, एक तो बीकन मर गया था लेकिन एक मैं पकड़ने मैनेज कर पाया हूँ मैं, और ये वही बीकन है बेसिकली। और ये भाई मेरा नया फ्लाइंग पैल बन चुका है अभी, और ये काफ़ी तेज़ है भाई, सीरियसली ये देखो कितना तेज़ है ये। उसके बाद मेरी टीम में एक और नया प्लेयर है, वही है मोसांडा नाम है भाई। ये बहुत फनी बंदा है सीरियसली, फनी पैल है बेसिकली। तो मैं इस लोकेशन पे गया था, इस लोकेशन में थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर रहा था मैं बेसिकली। तो वहीं पे मेरे को एक कोने में पड़ा हुआ मिला था यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने उसको पकड़ लिया था। ये बहुत क्रेजी है, प्लस इसका मैंने पार्टनर स्किल भी बना लिया, मतलब इसका पार्टनर स्किल भी अनलॉक कर लिया बेसिकली। इसके पार्टनर स्किल में क्या है, मैं इसको राइड करता हूँ, ये देखो मैंने इसको राइड कर लिया। अब इसमें मैंने इसका ग्रेनेड लॉन्चर बना रखा है पैल वर्क बेंच में बेसिकली। ये देखो राइड क्लिक किया मैंने माउस का, और ये देखो ग्रेनेड लॉन्चर आ गया भाई। ये बहुत क्रेजी है सीरियसली, बहुत अच्छा काम करता है ये। डैमेज उतना नहीं देता जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये बेसिकली एनिमीज़ को ना उड़ा देता है एक्सप्लोजन से, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरीके से स्टन दे रहा है एनिमीज़ को, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये मेरी टीम है। प्लस कुछ नए पैस मैंने अपने बेस में असाइन किए, जैसे कि ये रहा सामने, इसका नाम है पिटीलिया, ये ग्रास टाइप है, और इसका हैंडी वर्क गैदरिंग, प्लांटिंग और ट्रांसपोर्टिंग वगैरह, इसका मतलब वर्क सूटेबिलिटी अच्छी है। दूसरा है ये वैलेट, ये भी ग्रास टाइप है, और इसका भी वर्क सूटेबिलिटी लेवल अच्छा है, मतलब लेवल 2 है ऑलमोस्ट सारा, ठीक है। प्लस मैंने ये जो लूप मॉन है इसको भी अपने बेस में मैंने असाइन कर रखा, और कैटरिस को असाइन कर रखा। ये लोग अच्छे से हैंडी वर्क में मेरी हेल्प करते हैं बेसिकली, और प्लस गैदरिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं इसके, तुम देख सकते हो गैदर कर रहे हैं। ये जो पेटीलिया और ये जो वैलेट है ना, मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला था जब मैं ऑफलाइन गया था बेसिकली, वहाँ पे पैल्डेक एंट्री कंप्लीट करने अपनी एकेडिया टेरा और पेन किंग की। पेन किंग का तो मैं कर दिया मैंने पैलडेक एंट्री कम्प्लीट, लेकिन एकेडियर का नहीं हो पाया, और ना अजूरोप का हो पाया, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो स्पॉन बहुत धीरे हो रहे थे तो मेरे को बहुत टाइम लग गया। लेकिन वही है, आई थिंक मेरे को 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे अपने पैलडेक कम्प्लीट करने के लिए। प्लस कुछ पैल है जो मेरे इसके अंदर है, पैल बॉक्स के अंदर, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन कौन से मिले मेरे को। एक तो यही मेरे को मिला है ड्रैगन टाइप रिलैक्सरस, लेकिन ये अल्फा है, इसके ऊपर सिंबल बनाना रेड कलर का, बेसिकली अल्फा है इसका मतलब। एक तो रिलैक्सरस सही में अभी रेड हो रही है, ओ माय गॉड कौन अटैक कर रहा है अभी। ये अच्छा मौका है तुम्हें मौसम मोसांडे का, ये देखो हर्ड ऑफ फ्लाइंग फ्लाइंग हाइना स्पैल, तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था मेरे पे फ्लाइंग पैल। ये देखो बीकन आ रखा है वहाँ पे अटैक करने के लिए। ओके
और जब भी मेरे बेस पे अटैक होता है ना, मेरा लैग होने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरे निपट गए। बाप रे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, मेरा पीसी हैंडल नहीं कर पा रहा इतनी भसड़ को। ये देखो एक यहाँ पर खड़ा ही है तेरी, तो ये देखो उड़ा दिया, ये देखो बेसिकली उड़ जाता है इससे। अब मैं कुछ कर पा रहा हूँ भाई साहब, और कौन है? अरे वहां पर है, वो वहां पे फ्रीज हो गया क्या बीकन? मैं उसको पकड़ने का ट्राई कर सकता हूँ। आई थिंक मर गए मर गए मर गए भाई साहब, लैग कितना हुआ। आई थिंक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इसलिए इतना लैग हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ऑफलाइन खेला था तब मेरे पे जब रेड हुई ना उस टाइम इतना लैग नहीं कर रहा था, उस टाइम तो लैग कर ही नहीं रहा था, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लैग हो गया भाई साहब। वो फ्रीज हो रखे, मेरे पास अच्छा मौका उनको पकड़ने का। अरे मैं, अरे मेरा रिलोड पे चला गया होगा मोसांडे का वो। ओके वो फ्रीज हो रखा है पता नहीं क्यों। मैंने रिवॉल्वर भी बनाई है ऐसे कि तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। अरे ये पलायन कर रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं, इनका मिशन फेल हो गया ना आई थिंक। नहीं पलायन नहीं कर रहे। ओके आई थिंक दिस शुड बी इनफ। अरे यार बढ़िया है, गीगा स्फीयर में फेंक रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ पकड़ में आ जाए एक बार में। डूड सीरियसली? ओके अब तो आ ही जाएगा। ओके आ गया। अरे फ्ली कर गया। ओके इंटेंस इंटेंस सिचुएशन हो गई थी, लेकिन तो ये हुआ था बेसिकली ऑफलाइन में। इन्होंने इन्होंने बेसिकली रेड करी थी और उनमें से एक को मैं पकड़ने में सफल हो गया था, तो मैंने ऐसे इस बीकन को पकड़ा था जो कि मेरे टीम में। अब मैं तुम्हें वो पैल दिखा देता हूँ जो मेरे को एक्स से मिले और जो कि मैंने पकड़े थे। मैं शॉर्ट कर देता हूँ जल्दी से इसको। एक तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत है दिखाना, एक मुझे मिला था रिलैक्सरस, एक मुझे ये मिला था, ये भी मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉन मिल गया था। तो बेसिकली कुछ कुछ पैन मिल जाते हैं लेकिन उनका स्पॉन बहुत रेयर होता है। इसमें से मुझे ओके मुझे एक और ग्रिसबोल्ड मिल गया था और मुझे ये मिला था एक से भाई, ये भी बहुत मस्त है रे हाउंड। इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए यूज़ कर रहा था ऑफलाइन, लेकिन फिर बाद में मैंने हटा दी क्योंकि मैंने अपनी टीम दोबारा से वो करी ना चेंज करी, तो मेरे को इसको हटाना पड़ गया क्योंकि मैंने बीकन को कैप्चर कर लिया ना, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम में दो इलेक्ट्रिक टाइप पैल रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रिक टाइप है, ये इसको भी माउंट कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन मैं सोचा 800 उसको ही रखते हैं माउंट करने के लिए, वही सही रहेगा। मैंने माइमॉक थोड़े से पकड़े ऑफलाइन, मैंने ये भी मेरे को एक्स से मिला था बूशी भाई, ये बहुत कूल लगता है, लिटरली समुराय लगता है ये जो पैल है किंग पाका। ये मैंने ट्रेडर से ख़रीदा था, ब्लैक ट्रेडर से, जो ब्लैक में पैल्स को बेचता है उनमें से एक से मैंने खरीद लिया था ये किंग पाका। ओके यही कुछ नए पैल थे जो मैंने पकड़े थे, मैं जल्दी दिखा देता हूँ। तो ये किंग पाका है, ये एक्चुअली में ऐसा दिखता है किंग पाका, जो हमने बॉस फाइट करी थी ना किंग पाके थे, वो कितना बड़ा था भाई देखो, ये उसके मुकाबले तो बहुत छोटा है। ओके उसके बाद रिलैक्सरस, ये तो एल्फा है भाई, कितना बड़ा है ये देखो, एल्फा है भाई ये। तो बेसिकली जब नया नया पैलवर्ड की गेम की अनाउंसमेंट हुई थी और जब नया गेम का टीजर वगैरह आया था ना, तब ये उस टाइम पे मैस्कॉट था गेम का। अभी आई थिंक मैस्कॉट चेंज कर दिया है पैलवर्ड के डेवलपर्स ने। ये है एल्फी ड्रैन, बेसिकली इसको पंख तो दे रखा है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ये अच्छा है, ड्रैगन टाइप है ना ये, प्योर ड्रैगन टाइप है, मतलब इस पर कोई एक्स्ट्रा टाइपिंग नहीं। और ये रे हाउंड है, ये बहुत कूल लगता है सीरियसली भाई।
और एक है ये बुशी, ये कितना कूल है, लिटरली समुराई है भाई ये। देखो भागता भी समुराई जैसा ही है ये। इसके वहाँ पे स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड से ना बेसिकली लंबरिंग कर सकता है ये। इस पर लंबरिंग की वर्क सूटेबिलिटी है प्लस फायर का भी है। और ये देखो भाग के लंबरिंग करने जा रहा था। ये कुछ नए पहल से तो मेरे को मिले थे। ओके तो इस एपिसोड ऑनेस्टली मुझे पता नहीं इस एपिसोड में मैं क्या करूँगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं फ्री अलायंस पैल का जो टावर है वहाँ पे जाके फाइट करूँ, लेकिन वो एकदम ऊपर की तरफ है, उसको अनलॉक मतलब वहाँ तक जाने में ही मेरे को टाइम लगेगा, प्लस फिर वहाँ का बॉस नहीं पता। जैसे कि अगर मैं जर्नल के अकॉर्डिंग अपने टास्क फॉलो करूँ तो हमें फ्रॉस्ट बाउंड माउंटेन में जाना है और वहाँ पे बॉस फाइट करनी है, वैसे भी फ्री पैल अलायंस टावर में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाऊँ, प्लस और कुछ नए पैल्स मिल जाए मेरे को बेसिकली। और फ्रॉस्ट माउंट बेसिकली आई थिंक यहाँ पर है, अगर मैप को फॉलो करें तो ये वो जगह है। और यहाँ पे ना आइस वाली बायो में, तो उसके लिए मेरे को आइस सूट चाहिए जो कि मैंने अभी नहीं बनाया। मैं सोच रहा हूँ ना मैं पहले थोड़ा इधर के एरिया एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद में इधर जाऊँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पैल हैं जो मिलना बाकी है। प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब मैं गया था तो वहाँ से मैं इधर टेलीपोर्ट कर इधर इधर चला गया था मैं, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ पर मेरे को टावर दिख गया था बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली टावर भी अनलॉक कर लिया। यहाँ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्रेजी, यहाँ पर है ना एक स्टैचू है बहुत क्रेजी, और यहाँ पे आजुरोप की बॉस फाइट है। हम ये कर सकते हैं आजुरोप की बॉस फाइट। ओके पहले इस पे चलते हैं, शाम होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, रात को आए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें देखेंगे, क्योंकि रात को चीज़ें लोग। एक मिनट क्या, अबे ले मैं अभी आया और ये पेलने मारने लगे। सीरियसली डूड, मैंने अपना अटैक ना बढ़ा रखा है, मैं इसी बेल में अपने स्टैट भी रेस कर लिए थोड़े से। ये तो इसका फायर इतना स्लो है। फाइनली अपना बीकन निकालो। और ये रहा वो स्टैचू इसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो ये बेसिकली कोई लेजेंडरी पैल लग रहा है देखने में तो मेरे को ऑनेस्टली। और यहाँ पे बॉस बैटल है आजुरोप की। ओ यहाँ पे चेस्ट है और रात भी हो रही है, वाह रात को बैटल करनी पड़ेगी बेसिकली। यार वो जो रेड हुई ना फ्लाइंग पैल से, जो रेड करने से टाइम वेस्ट हो गया मेरा सीरियसली। लेकिन अब आ ही गया तो मैं बॉस बैटल कर ही लिया था। वो लेवल 17 का है और मेरी लेवल अभी क्या चल रही है, 36 है, मैं आराम से हरा सकता हूँ। प्लस मेरे पास रिवॉल्वर भी है तो है, मतलब हैंड गन है तो बात बन जाएगी। और तुम देख सकते हो मैंने थोड़े से गीगा स्पेयर बनाया है, ये तो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने इनको यूज़ नहीं किया। मैंने थोड़े से एरो बना लिए क्योंकि मैं क्रॉसबो बहुत यूज़ कर रहा था। प्लस मेरा मेटल स्पेयर टूटने वाला तो मैंने रिफाइंड मेटल स्पेयर बना लिया बेसिकली। और टेक्नोलॉजीज में दिखाऊँ तो टमाटो का मैं प्लांटेशन कर सकूँ, उसकी रेसिपी खुल गई है। बस मेरे को 3 सीड चाहिए, मेरे पास 2 है, मेरे को और एक चाहिए। और प्लस इम्प्रूव फर्नेस, ये भी मैंने दिखाना भूल गया, ये मैंने ये भी अपने बेस में बना रखा है। इसमें वैसे कि एक रेसिपी अनलॉक हो गई जिसमें कि मैं रिफाइंड इनगोट बना सकता हूँ। रिफाइंड इनगोट हमारा बनता है ओर से और कोल को मिक्स करके बेसिकली। तो भाई अब कोल मेरे को ढूंढने पड़ेंगे, कोल बहुत सारे, ताकि मैं माइन कर सकूँ। मैंने ये बना लिया, इसके लिए मेरे को चाहिए था रिफाइंड इनपुट। प्लस की अल्ट्रा स्फीयर भी खुल गया हमारा, इसके लिए रिफाइंड इनपुट इनपुट और कार्बन फाइबर चाहिए भाई। ये इस यहाँ पे देखो सर्किट बोर्ड, इसके लिए ना एक नया मिनरल मांग रहा है ये प्योर क्वार्ट्स। तो मैं बेसिकली अभी और एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि मेरे को ये प्योर क्वार्ट्स मिल जाए। प्लस कार्बन फाइबर के लिए मेरे को कोल चाहिए। पहले मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि कोल से मेरे को रिफाइंड इनगोट भी बनाना है, प्लस मेरे को कार्बन फाइबर भी चाहिए। लेकिन जब मैं अपने वर्क बेंच पे चेक करने गया ना तो वहाँ पे एक और रेसिपी खुली थी जिससे कि मैं चारकोल से भी कार्बन फाइबर बना सकता हूँ, जो कि इनसेन है क्योंकि मेरे चेस्ट में लकड़ियाँ भरी पड़ी है। बस मेरे को उसे फर्नेस में बर्न करके चारकोल बनाना है और चारकोल से मैं कार्बन फाइबर बना सकता हूँ बहुत ईजीली। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी कि कार्बन फाइबर को मैं चारकोल से बना सकता हूँ, तो मेरे को कोल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं ये बनाने वाला था लेकिन मैंने सोचा मैं बाद में बना लूँगा ये, क्योंकि इसके लिए मेरे को रिफाइंड इनगोट बनाना पड़ता और पॉलीमर बनाना पड़ता। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, पॉलीमर बनता है हमारा हाई क्वालिटी पैल ऑयल से,
और अभी कुछ एक दो पैल ही हैं जो हाई क्वालिटी पैल वाले ड्रॉप करते हैं, जैसे कि मेमोरेस्ट हो गया और एक और कोई पैल है जो ड्रॉप करता है, और वो इजीली ना पकड़ में नहीं आते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मीटोरा डिसेंट कहाँ पे है? जैसे ही नोटिफिकेशन आता ना, मेरा लगा क्या क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ है? अबे मेरे ऊपर क्रेजी। वहां पे चल के देखते हैं, बॉस तो ये रहा। वहां पे मेरे को देखना है कि स्पॉन होता है कि नहीं होता वो एक्सोनोवेटर। ओके अभी स्पॉन नहीं हुआ है फॉर सम, नहीं वो हो गया, हो गया। अच्छा तो जैसे ही मीटराइट गिरता है ना, सिंडिकेट थग आ जाते लूटने मीटराइट को, और फिर एक्सोनोवेटर डिफेंड करते हैं बेसिकली मीटराइट को। तो ये बेसिकली मीटराइट से ही आए हुए हैं ये एक्सोनोवेटर, और ये मीटराइट के पास ही मिलते हैं, ये कहीं और नहीं मिलते हैं। यहाँ पे फुट में पैर रख सकता हूँ क्या? ओके मैं यहाँ चल सकता हूँ। बेसिकली मेरा बीकन डिस्ट्रैक्ट करेगा और मैं इसको पेल लूँगा पीछे से। नाइस इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा डैमेज। ये बॉस फाइट तो इजी होने वाली है बहुत। अरे मेरे को बाबर रिलोड करने के आता ना, मैं बाबर रिलोड कर मिल गया। प्रीशियस ड्रैगन स्टोन ये, अरे मेरे पास जो सामान ड्रॉप किया था मेरे बेस पे फ्लाइंग पैल्स ने, वो मेरे इन्वेंटोरी में आ गए, जगह गिर रही है। एटलीस्ट फूड की दिक्कत तो नहीं है। इजी बॉस बैटल, नाइस। ओके यहाँ मीटू राइट है, मैं वहाँ पे टावर खोल लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी जाके। अरे वहाँ ऊपर एफएजी है, मेरे को एफएजी भी लेना है। ये क्या चीज़ है? अच्छा वो अटैक है उसका, एक्सोनोवेटर का अटैक था वो। दो तो होते ही हैं, दो हैं। अरे लूप मून भी है यहाँ पे, दो दो हैं ऊपर से, इनसे बच के रहना पड़ेगा भाई। ऑफलाइन जब मैं खेल रहा था ना, तो मेरे को पेल दिया था लूप मून ने सच्ची में, तो मैं थोड़ा संभल के फाइट लेता हूँ इनसे। अरे वो, अरे क्या कर रहा हूँ, नई पहल मोजारीना। अरे तो गाय है, आई थिंक मैं इनको रैंच पे छोड़ दूंगा ना, तो ये मिल्क ड्रॉप करेंगी, क्योंकि तो मर्चेंट के पास मैंने बहुत बार देखा मोजारीना मिल्क करके, तो आई थिंक ये वही है जो मिल्क ड्रॉप करती है। मेरे स्पीयर में रेडी रख लेता हूँ, मेरे पास 578 इकोनॉमिक है। अरे मर गया ये तो, मिल्क तो मिल गया लेकिन। अबे मैं भूल गया था, मैंने अपना अटैक स्टैट बढ़ा रखा है थोड़ा सा, वह 108 कर रखा है, मेरे को इसके पेट पे मारना पड़ेगा। अब थोड़े से स्पीयर चिपका देता हूँ मैं चिप डैमेज देने के लिए। अरे बाप रे अटैक कर रहा था। ओ ये वो वाला एरिया है, ओके अब आ ही गए तो एकदम इधर चेक कर ही लेता हूँ। कैल्प सी मुझे लग ही रहा था ये नई पहल है कोई, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ये पानी में है ना? अच्छा ये वैसी ही सी है ये। तो यहाँ कैल्सी मिलती है, मेरे को याद रखा एटलीस्ट। डूड सीरियसली, रॉ कैल्सी मीट मिल गया इसका, और पैल फ्लूइड ड्रॉप किया इसने, नाइस। तो यहाँ पे कैल्सी मिलती है। हाँ मैं ऑफलाइन आके इनको पकड़ लूँगा, डेटा तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि दो है दो है, मैं हरा सकता हूँ इसलिए, लेकिन मैं पंगा ले ही नहीं रहा फालतू का। टैंजी, और वहाँ पे नॉक्स है, अरे ग्रेनेड छोड़ रहे हैं, शिट भाई ग्रेनेड छोड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा एटलीस्ट पता लग गया ग्रेनेड वर्क कैसे करता है, अबे पेल दिया नाइस। अरे नहीं भागो,
चलो पता तो चला है नेट कैसे वर्क करता है। ये थग वगैरह तो स्ट्रांग हो गए बहुत ज्यादा। इग्नेस ब्रेथ अनलॉक कर लिया हमने आरसॉक्स ने। ये भी मिलता नहीं है। मैंने काफ़ी सारे डार्क एक्स को हैच करने हैच किया था लेकिन उनमें से एक में भी नॉक्स नहीं मिला मेरे को। मुश्किल से एक दो में मिला था मेरे को। तो ये भी रेयर फाइंड ही है एक तरीके से, या फिर क्या पता किसी और बायोम में मिलते हो ये। अरे वहाँ पे एफएजी है, मैं ना एफएजी कलेक्ट करना चाहता हूँ भाई, क्योंकि एफएजी से ना कैप्चर पावर बढ़ जाता है, फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए कैप्चर करना पैल्स को। अरे मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले, ये एफपीजी कैसे मिस हो गया मेरे से? मिस लोकेशन में आ रखा हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो देखो वहाँ पर भी एफपीजी थी है, यहाँ पर भी है नीचे। ये अंदर अंदर फंसी रहती है ना एफपीजी, तो पता नहीं चलता लिटरली। जो ऊपर है वो तो दिख जा रही है दूर से कि भाई वो ऊपर है, उनको ले सकते हैं। वहाँ पे माइमोक बैठा है क्या कोने में? नहीं वो चेस्ट है। फेदर बैंड स्कीमेटिक ओके। अबैंडन माइन शाफ्ट, इस गेम में माइन शाफ्ट है? आई थिंक ये बॉस बैटल के लिए हो सकता है कोई डंजन वगैरह। मैं इस पर मार्कर लगा देता हूँ बीस्ट वाला, देखते क्या है ये। और हाँ मैंने अपने जब मैंने वो भी लब बना रखा है लैम्प। मैं ये बताना भूल गया था, मैंने हिप लैंटन लगा रखा है जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे कमर पे, लेकिन बहुत छोटा सा ही है, बहुत छोटी लाइट देता है। अरे मर्चेंट बैठा है यहाँ पे। ओ मुझे वो मार्कर चेंज करना पड़ेगा, बहुत लॉस नहीं। कभी कभार हिप लैंडन तो बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे कि अभी वर्क कर रहा है। ओके मेरे को लगा यहाँ पे बॉस 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 है कोई। देखे कोई अच्छा पैल हो तो मैं बाय। ओके किंग पाका बेचा है मेरे पे अभी 12 लाख, मतलब 1,20,000 करके मेरे पास गोल्ड कॉइन है, तो मैं खरीद सकता हूँ। मेरियत वैनगार्ड डार्क टाइप है ये खरीद के देखते हैं इसकी एंट्री खुल जाएगी एटलीस्ट। किंग पाका खरीद लूँ मैं, खरीद लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है? चिलेट नहीं खरीदूंगा, चिलेट मेरे पास हो रखे हैं, 3-4 है मेरे पास। अरे हाँ एक पैल मेरे को ये भी मिला था, ये वो नहीं है लेकिन स्वीप स्वीपी या करके कुछ था, वो मेरे से मिस कैसे हो गया? वो भी था मेरे पैल बॉक्स में, दिखाना भूल गया। इतने सारे पैल है ना कि याद नहीं रहते भाई सीरियसली। ओके निकलते हैं यहाँ से। बाहर रोशनी कम हो गई, अंदर रोशनी ज़्यादा हो गई बताओ। अरे ये तो सरफेस है, यहाँ पे ऊपर जाओ। ओके मैं गोल गोल घूम रहा हूँ एक ही जगह पे। मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को उधर जाना है लेकिन मैं भटक के इधर आ गया। अब मैं इधर हूँ ही तो मैं इधर का एरिया एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मैप क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। इस गेम में इतनी सारी चीज़ें हैं ना सीरियसली, तुम्हारा ध्यान आराम से भटक ही जाएगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अरे रॉकी एक ले लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा रॉकी एक मिलते नहीं है। एक रॉकी एक तो मेरे ऑलरेडी इंक्यूबेटर पे लगा रखा है। अच्छा एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी वाले ब्लूप्रिंट सेक्शन में ये खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक एग इंक्यूबेटर्स के लिए सर्किट बोर्ड चाहिए और एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर चाहिए। पता नहीं भाई बाकी सारे रिसोर्सेज मैं मैनेज कर सकता हूँ लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं मिला है एंशियंट सिविलाइजेशन कोर, तो मेरे को लग रहा है ये बहुत बाद में मिलेगा मेरे को।
प्लस ये भी खुला हुआ है, इसके लिए भी एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर चाहिए। अब पता नहीं है एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर कहाँ मिलेगा हमें। ओ एफिजी है यहाँ पे, लकी मी भाई, मेरे को दिखा भी नहीं था ये दिन की रोशनी में तो एफिजी बिल्कुल नहीं दिखते भाई। अगर तुम्हें एफिजी कलेक्ट करनी है तो रात को निकल जाओ अपने फ्लाइंग पैल पे, तुम्हें दूर से एफिजी ग्लो करती हुई दिख जाती है भाई। एफिजी है वहाँ पे, यहाँ पे टावर है। ऊपर आई थिंक एग है, फायर है, फायर है आई थिंक। हाँ ब्लेजिंग है, फायर पैल मिल सकता है इसमें से, कोई नया ही मिले तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता मेरे को इसमें से फॉक्स पार्क से रूबी वगैरह मिल जाए जो कि मेरे को ऑलरेडी है। वो उनकी पैल टेक एंट्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या वहाँ पे एफीजी है? अरे नहीं, अभी तो कलेक्ट किया था मैंने। जॉल्ट होप की भी एंट्री कंप्लीट करनी है। मैं ऑफलाइन बैठ के ना एंट्री वगैरह कंप्लीट करता रहता हूँ, इसलिए मेरे इतने सारे वो हो जाते हैं, लेवल अप इतना सारा इतना ज़्यादा हो जाता है ना मेरा, फिर तो मेरे को रिकॉर्डिंग कर स्टार्ट करनी पड़ती है कि भाई अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेवल अप हो गया हूँ मैं, नहीं तो पीछे रह जाएंगे सब लोग। आवाज़ आई, अबे डरा दिया, मेरे को लगा कौन है। ये डेफिनेटली नई जगह है, वो वाली नई जगह है शायद, राइट? मैं तीन लोगों के पास से मैं चेस उठा रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चल रहा। एफीजी है वहाँ पे, नाइस। मैं थोड़ा ऊपर भी फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा नीचे फ्लाई कर रहा हूँ ताकि ना चीज़ें रेंडर हो जाए मेरे लिए, क्योंकि रेंडर नहीं होती मेरे लिए जल्दी चीज़ें। डंजन है वहाँ पे, ओके okay, मेरा पावर लेवल 6, मतलब कैप्चर पावर लेवल 6 हो जाना चाहिए। मैंने इतनी सारी एफिजी गैदर कर ली मैंने, और क्या मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले? यस आई थिंक, नहीं, इस जगह पे नहीं आया मैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आया। और वो जो मार्कर था, अरे हटा क्यों दिया? ये वाला था कि कौन सा था वो? आई थिंक यही था वो। इसको बदल के इसमें कर देता हूँ। यस अरे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे चेस्ट, यार आवाज़ आ रही थी इसे चेस्ट या फिर, ओ मिले, एक और मार्केटियर बैठा है यहाँ पे। ये लोग तो धंधा खोल के बैठे हैं भाई सीरियसली इस लोकेशन पे। ओके कुछ नहीं है यहाँ पे, उसके पास चलते हैं। ये एकदम इसी डंजन के बाहर खड़ा है भाई, ये देखते हैं ये क्या बेच रहा है। सब लेवल 40 40 40 के हैं सब। ओके ये थोड़ा दूर है, अच्छी बात है। नहीं ओके मैं इसको एज आ इसी तरीके से मार्क कर देता हूँ। नहीं फालतू की मारी तो डंजन में मिली जाती है, पहले मेरे को लगा रेयर होती है लेकिन डंजन्स में स्पॉन होती है। मैं ऑफलाइन थोड़ा डंजन वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो मेरे को की मारी मिल गई थी बहुत सारी, मैं कुछ नया नहीं था। वाह यहाँ पे बहुत सारे वो है, और हैं यहाँ।
अरे देख लिया सही में भाई, डैमेज नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं। आई थिंक यहाँ पे मेरे को एफिशी दिख रही थी। हाँ ये थी। नाइस। मेरे को एजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, एफपीजी वगैरह कोनों में रहती है ना, और यहाँ पे टावर है, मैं टावर अनलॉक कर लेता हूँ। ये वैसे ही कैसल है जैसे कि वहां पर था। हाँ यहाँ पर भी स्टैचू पावर है, यहाँ पर भी ये मेटल मर्चेंट बैठा हुआ है। स्कीमेटिक मिल रहा है मेरे को बहुत। ये कैप्चर पावर नहीं, मेरे को थोड़े से और चाहिए। ये बढ़ जाता तो बढ़िया हो जाता। ये कोई डिफरेंट बेच रहा है क्या, ये भी सेम आइटम बेच रहा है, मेरे को ये चेक करना है। नहीं ये भी इसके बाद भी सिमिलर ही है। मेरे को अपने जाके चेक करने चाहिए मेरे पर डॉग कॉइन कितने हुए, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े करके कलेक्ट कर रहा था बेसिकली। वहाँ पर भी एपीजी दिख रही है मेरे को, वहाँ पर भी टावर है, वहाँ पर भी एपीजी है, और वहाँ पर वो है बॉस भी है, बॉस का डंजन, और वहाँ पर भी एपीजी है। जगह भर रही है, क्या करें, ये खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। मशरूम ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ख़राब हो जाता है बेसिकली, इस पर रखने का मतलब नहीं है। ओके थोड़े स्लॉट बन गया, ये भी फेंक देता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता, एट द एंड में इसको बेच ही दूंगा। ओके थोड़ा क्लॉथ, क्लॉथ से मैं बना सकता हूँ, उसको ड्रॉप कर देते हैं, मेरे पास इतनी सारी वूल पड़ी है ऑनेस्टली। ओके इतना आई थिंक ठीक है, बाकी सारी चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उनको नहीं फेंकूंगा। अगर फिर भी जगह की प्रॉब्लम हुई ना तो मैं अपने स्कीमेटिक वगैरह फेंक दूंगा, क्योंकि स्कीमेटिक वगैरह मैं बेच देता हूँ, इनको यूज़ नहीं करता। स्कीमेटिक में हर जो आइटम या इक्विपमेंट होता है ना, उसका इम्प्रूव वर्जन मिलता है बेसिकली। स्कीमेटिक से तुम इम्प्रूव वर्जन बना सकते हो उसका वर्क बेंच में, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि उसको बनाने के लिए एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट लगता है, और फिर अगर वो ख़राब हो गया तो उसको फिर तुम्हें रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए भी एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट लगेगा। उस रीज़न से वो इतना ना वर्थ इट नहीं है, यही रीज़न है मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। मतलब एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब स्कीमेटिक से कोई भी चीज़ मिलती है ना, मैं उसको बेच देता हूँ। मैं स्कीमेटिक से बनाए हुए, स्कीमेटिक से तो कोई चीज़ बनाता ही नहीं हूँ बेसिकली। वहाँ वो है, अरे यहाँ पे ये बैठा है, और वहाँ पे वो है, सल्फर भी है, मैं मार्क कर देता हूँ और इसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री भी तो कंप्लीट करनी है। लेवल 10 का है तो बहुत कम लेवल का है। वाह अबे लगा फाइनली। उसकी बॉडी अजीब सी है ना, उस सारे एरो बगलों से निकल दिए। अब ये लगा ना हेडशॉट बढ़िया वाला, पूरा ट्रेस करा भाई उसने। अरे ऐसे बात नहीं बनेगी, मेरे को स्पेयर निकालना पड़ेगा, मेरे को स्पेयर से अटैक करना पड़ेगा इसको। ये मेरे को आनी नहीं है पास। डूड 2 मिनट रुक जा, भाई क्या क्या मजाक है ये। एक तो वो निकल भी रहा है, ऊपर से पकड़ में भी नहीं आ रहा,
भाई मार ही दिया मैंने दिमाग खराब कर दिया यार। एक तो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग जा रहा है बार बार, ऊपर से पकड़ में नहीं आ रहा वो लक। ओके लकीली ये मार्क हो गया। डायर हाउल है यहाँ पे, भाई तू संभाल उसको यार, मेरे को लूटना है यहाँ पे। नेल मिला मेरे को, नेल तो मैं भी बना सकता हूँ, ये उठा लेते, इससे कैल्शियम मिल सकता है मेरे को। मार दिया उसने, चलो ये, वो एक मिनट, क्या वो डायर हाल उसको खा रहा है क्या? अभी ये क्या देख लिया मैंने भाई, वो डायर हाल उसको खा रहा है। वो देखो वो भी आ गया भाई, वो खाओ बेल्ले, ये क्या देख लिया, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। डायर हाउल भाई खा रहे हैं उसको भाई, क्रेजी भाई। बुली पॉप, ओ बुली पॉप, ये ऊपर क्या कर रही है? इसकी लेवल 16 है आई थिंक, ग्लिच हो गई। एक और इसकी मदद करने पीछे से आ रही है, इसको मेरे को जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। मेरे को लगा मैं भाग के, आ गई पकड़ में। डायर हॉल भी आ रहा है उसके पीछे से, अब वो साउंड सुन के आ रहे हैं इधर ही, फंस गया। लगाया डूड, सही में भाई, इज इट सम काइंड ऑफ जोक? अब आ जाएगी, उसने भी देख लिया, मैंने स्फेरे इतने थ्रो किए वहां पे, उसको पता ही लग गया वो डंजन है यहाँ पे। बच गए, पूरा ऐसा लग रहा है एम बॉट ले रखा है, इतना ट्रेस करके लगता है उनका अटैक एनिमीज का। और कोल है ना ये, हाँ ये पिच ब्लैक है, कोल है। मैं मार्क लगा देता हूँ, ओके ऑल गुड। जल्दी जल्दी एरिया एक्सप्लोर करते हैं, गोली पॉप में हो गए, मैं बाद में याद से पकड़ लूँगा वो। अरे वो है ओके, तो वहाँ पर भी कोल है ओके। तो यहाँ इस लोकेशन में कोल मिलता है यहाँ। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? एक तो ये पकड़ में आएगा नहीं, ऊपर से ये अटैक और करेगा देख के, मैं जानता हूँ ना इसको। ये देखो अरे वाह, नया नया पैल ब्रॉन्ज चेरी। ओके मैं बाहर आ गया उसके रेडियस से। ओ यहाँ पे टावर है, मैं टावर अनलॉक कर लेता हूँ जल्दी से। स्फीयर चेंज करते हैं और, अरे ये इधर क्यों आ रहा है? एक बार में एक से ही लड़ना चाह रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, वो बाबा उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अभी उसको मेरी लोकेशन नहीं पता चली है। जूम करने से ऐसे मेरे को ना ऐसे एम करना चाहिए ताकि मेरे को डॉच करने का टाइम मिले।
ये देखो उसके कान के तक तो बगल से निकलती है एरो, लगा ही लगा। पेड़ में क्यों लग रही है? हेडशॉट, हेडशॉट। मेरे पीछे जगह है, जगह है। सरपेंट, यहाँ पे सरपेंट मिलता है, बच गया। डूड तू बहुत हिल रहा है, तू बहुत हिल रहा है, सीरियसली यू हिल बहुत। फाइनली यहाँ पे बॉस भी है, ओ बूशी है यहाँ पे। मेरे को टोमेटो सीड मिला, नाइस। अब मैं टोमेटो का वो बना सकता हूँ। ये क्या मिला मेरे को? कॉटन कैंडी, वुली पॉप कॉटन कैंडी ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे सर्पेंट मिलते हैं। हाँ ओके, मोजरी ना पानी में। ग्रिल ग्लेस क्लो मिला मेरे को, मैं खा लेता हूँ। ओके कॉटन कैंडी खिला देते हैं इसको। आई मीन मैं कर सकता हूँ बॉस बैटल, 23 लेवल का ही है। मेरे पे रिवॉल्वर वगैरह है तो मैं कर लूँगा मैनेज। मुझे करनी चाहिए बॉस बैटल, आई मीन कर लेते हैं, जा क्या रहा करने में। मैं अपना अजुरो को निकाल के रखता हूँ क्योंकि फायर टाइप है ना वो, तो मेरा अजुरो इफेक्टिव होगा काफ़ी। पिस्टल निकाल ली है, बजाना शुरू करता हूँ उसकी। आइस अटैक छोड़ रहा है वो, अरे वाटर अटैक करना, वो ड्रैगन अटैक कर रहा है मेरा अजुरो। हाँ अब डैमेज हुआ ना, पिलर्स के आर पार उसका अटैक लग रहा है। सौ एमओ बनाई थी बुलेट्स में, वो कितनी जल्दी खत्म हो गई। थैंक यू आज़ुरो, इंसुलेशन पार्ट इंगोट मिल गया, क्या बात है। और मेरी इन्वेंटरी तो धड़ल्ले से भर रही है, कुछ करना पड़ेगा। अभी मेरे पास मुझे रहना है तो वो मिल्क तो ड्रॉप कर ही देगी, तो मैं पी लेता हूँ इसको। पेल्ट आर्मर नहीं चाहिए, फैदर हेयर बैंड नहीं चाहिए, ओल्ड बो बो तो मैं चला ही नहीं रहा, क्रॉस हुआ है मेरे पास। ओके और थोड़े स्लॉट बन गए, नाइस। ईजी बॉस बैटल थी, बस बंदूक एमओ ही एमओ पेल दी मैंने सारी। पैल्स के साथ फाइट करने का फ़ायदा ये होता है ना कि तुम्हारे पैल्स ना बिजी रखते हैं, तो ये है कि तुम आराम से एम लेके मार सकते हो, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। हाँ पत्थर है, मेरे को लगा कोई पैल्स हो रहा है पानी के अंदर। ओ यहाँ पे ये है, अरे वहाँ डॉग कॉइन वाली लोकेशन में पीछे जहाँ वॉर उसको मैं पकड़ नहीं पाया था, मेरे मार्क लगाना भूल गया। क्या होता दूसरी बार मेरे को डॉग कॉइन मिल जाए वहाँ से, मैंने गलती कर दी। हाँ मार्क करने लगा के पता नहीं सब इधर कहीं पर था, भूल गया मैं, बेवकूफ़ी कर दी मैंने। ये तो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे पूरा एरिया जा रहा है। टावर ऑफ ब्रदर्स ऑफ इटर्नल पायर, ये इसको तो मेरे को बाद में करना चाहिए। मेरे को आई थिंक ना ऊपर की तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए, मेरे को अभी इधर नहीं जाना चाहिए। मैं को आई थिंक इधर फास्ट ट्रेवल करना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे वो है
अभी रात हो रही है, अच्छा टाइम है। यहाँ पे जितनी एफिजी है ना मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी दिख रही है यहाँ पे। जैसे कि वहाँ पर एक है, ओ वाह, वो केव है क्या? आई थिंक यहाँ पर भी कोई बॉस है। यहाँ पे कोई बॉस है? हाँ बॉस है यहाँ पे, ब्रॉन्चेरी एक्वाल। अभी जो मैंने ब्रॉन्चेरी पकड़ा ये उसी का वेरिएंट है। एक्वा आई थिंक मतलब वाटर टाइप होगा ये। तो यहाँ पे बॉस है यार, मैं इधर मार्कर लगा देता हूँ। आई थिंक इधर ही ठीक रहेगा, एटलीस्ट मेरे को याद रहेगा कि यहाँ पे एंट्री है बेसिकली। चलो वो देखो वहाँ पे टावर है, वहाँ पर होगा वो ब्रदर ऑफ पायर्स वाले। मुझे अभी फ्री अलायंस पायल वाले टावर पे बॉस बॉस पे फाइट करनी चाहिए, उसके बाद मेरे को इधर आना चाहिए। वैसे यहाँ पे लेवल कम है काफ़ी, जैसे कि लेवल 15 ही है। तो मैं इधर भी जा सकता हूँ, तो पता नहीं वो लग वैसे रहा है पास में, लेकिन वो हो सकता है कि दूर हो काफ़ी और फिर वहाँ पे लेवल बढ़ जाए पैल्स के। मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता कुछ। गीगा स्पेयर मिल गया, ट्रेनिंग मैनुअल मिल गया, वो कॉमन है, कॉमन एक नहीं उठा रहा। और मैं एक तो वैसे ही इन्वेंटोरी में जगह नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेनी चाहिए। नाइस, अब अच्छा दिख रहा है। कॉग्निटो कॉग्निटो, अरे वहाँ पे माई माईमोक बैठा हुआ है, बताओ। नहीं वो चेस्ट ही है, वो चेस्ट ही है, इसको तो पकड़ ही लेते हैं, ये नया पहले ही। तो यहाँ पे रात के टाइम पे ये लोग स्पॉन होते हैं। हाँ अरे यार मेरी तो जगह ही भर गई, नहीं प्लीज ग्लैंड ड्रॉप कर दो, मिल जाता है बड़ी आसानी से। मुझे लग रहा है मुझे एक और कोई आइटम ड्रॉप करना पड़ेगा, 3 स्लॉट और है मुझे ना। बहुत इतनी जल्दी इस इन्वेंटोरी भर जाएगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल। वहाँ पे कैंप भी है, वो लूप मून है ना? हाँ लूप मून है वो। क्या मैं इधर आ चुका हूँ? नहीं डेफिनेटली नॉट, मार्कर लगा दूँ मैं यहाँ पे। सल्फर है ना ये? सल्फर है। ओके वहाँ पे एग के ऊपर ही फ्लाई कर रहा है वो। आई थिंक मैं फ्रोजन एग उठा सकता हूँ मे बी, लेकिन मेरे को उससे फाइट करनी पड़ेगी अगर उसने देख लिया तो। थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, उठा लेते हैं। बढ़िया, चलो कॉग्निटो। हाँ वहाँ पे कोई पैल है केस के अंदर सर, क्या कौन है वो? सरपेंट है क्या? हाँ सरपेंट है, सरपेंट है। मुझे लगा कोई नया पैल है, बड़ा लग रहा था ना देखने में। ओके मैं उसे स्टैचू वाले प्लेस के पास ही आ गया गोल गोल घूम के। हाँ अरे मेरा स्टैमिना ख़त्म हो रहा है, मैं अब ज़्यादा देर तक फ्लाई कर पा रहा हूँ ऊपर। ये डेफिनेटली मैं नोटिस किया मैंने जब मैं इस पर फ्लाई कर रहा था, नाइट विंग और इस पर जो जंप किया मैंने बहुत क्रेजी था। मैंने क्या नाम है इसका, वैन वॉर्म करके जो नाम है उस पैल का, उसको भी थोड़ा सा मैंने माउंट किया था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी वो, बस थोड़ी सी बेटर थी नाइट विंग के मुकाबले।
नाम क्या है उसका, वॉर्म, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाता नाम। मूल्य शोर, इधर मैं बाद में आऊंगा, अगर मैं आगे गया ना एपीजे के चक्कर में तो पूरा मैं उधर भटक जाऊंगा, फिर मुझे फोकस करना है कि मेरे को जाना कहाँ पर है। फ्लॉपी, माई मॉक भी बैठा है यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ना यार, मेरे को याद रहेगा कि यहाँ पे बैठा हुआ है ये। केट्रेस भी घूम रही है यहाँ पे, ग्रीन टेल है वहाँ पे, वो देखो ग्रीन टेल, ये मेरे को ग्रीन टेल मेरे को बहुत पहले मिल गया था इससे, और ये अब जाके यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। ओके, तो यहाँ केट्रिस वगैरह घूमते हैं बहुत सारे, ये केट्रिस भी बहुत खतरनाक है, दिखने में जितने कूल है ना ये उतने खतरनाक है। लिटरली इन्होंने भी मेरे को पेल दिया था जब मैं ऑफलाइन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं ऑफलाइन ऑफलाइन बैठ के घूमता रहता हूँ रैंडमली, और देखता हूँ कि कौन सी पैल डेक कम्प्लीट नहीं है, उसकी पैल डेक कम्प्लीट करूँ मैं। रात को एक्सप्लोर करना फन है काफ़ी, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो रात को एक्सप्लोर करना ज़्यादा फन है, क्योंकि दूर दूर से चीज़ें ना दिख जाती है तुम्हें, तो ये चीज़ अच्छी है। जैसे कि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ है, वो देखो ऊपर दिख रही है वही, वहाँ पर जबकि मैं जा रखा हूँ ऑलरेडी पहले, उसके बाद भी पता नहीं कैसे मिस हो गया मेरे से, सीरियसली। क्योंकि सुबह हो रही है धीरे धीरे, हाँ सूरज निकल रहा है वहाँ से, वो देखो वहाँ पर भी एक एफजी है। ओके, वहाँ पर एफजी मेरे को याद रहेगा, मैंने बोला था मैं भटकना नहीं चाहता लेकिन एफजी में छोड़ना भी नहीं चाहता एट द सेम टाइम। चलिए ज़्यादा ऑफ कोर्स भी नहीं जा रहा मैं तो, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा उधर ही जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी एफजी है देखो ऊपर, वो टावर है क्या, आई थिंक वो मैंने ही अनलॉक किया था टावर। मैं आ रखा हूँ डेफिनेटली, हमें मैंने मार्क लगाया है, डेफिनेटली मैंने मार्क लगाया है, मैं आ रखा हूँ यहाँ पे। मैं सेम जगह दोबारा घूम रहा हूँ क्योंकि मैंने एपीजी मिस कर दी बेसिकली। वहाँ पे भी माई मॉक बैठा हुआ है, नहीं माइमोक नहीं है चेस्ट है वो, ये रेंडर क्यों नहीं होती मेरे से जल्दी। ये देखो कोनो कोनो में फंसी हुई है ना एफपीजी, मेरे को इसलिए फर्स्ट टाइम में मिली ही नहीं, दिन के टाइम में तो वैसे ही नहीं दिखती, ऊपर से इतना अंदर की तरफ है, और मैं ऊपर से फ्लाई करके निकल के आऊँगा डेफिनेटली। वाओ, ओके मुझे लगता है मेरे को बेच आके जल्दी से ना ड्रॉप करके वापस आना पड़ेगा। आई थिंक मुझे बेस चले ही जाना चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी ले नहीं पाऊंगा, अगर मेरे को कुछ बहुत बढ़िया मिल गया तो मैं बिल्कुल नहीं कैरी कर पाऊंगा कुछ भी। मेरे आई थिंक बगल में ही है, यस इधर ही है एक टावर का,
ये अच्छा है। देखो मेरे बीकन ने अपना बैग खा लिया, जो मैंने यहाँ पे फूड वाले सेक्शन में मैंने जो फूड रखा है बेसिकली, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, मेरे को मैन्युअली खिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनकी फूड बार कम होने लगता है आई थिंक 40 या 50% के नीचे, तो ये अपने आप खा लेता है ऑटोमेटिकली, प्लस मैं भी खा ही लेता हूँ अगर मेरे को भी भूख लग रही है तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। नाइस, इतना मार्कर लगा रखा है पूरे मैप में, पूरी भसड़ सी मचा रखी है मैंने मैप में, जहाँ देखो वहाँ मार्कर मैंने प्लेस किया हुआ है। ओके, मैं सबसे पहले अपने एक्स को डाल देता हूँ, और एक तो हो भी गया इंक्यूबेट प्रॉपरली, क्या बात है। मैं छोटा एक नहीं डालूंगा, मैं बड़ा वाला डालता हूँ। ओके, इसको 1 घंटा लगेगा ना, ये ताकि मेरे को वापस ना आना पड़े 10 मिनट में। टॉम बैट मिल गया मेरे को, एक और टॉम बैट पकड़ना, उसकी पैंटिक एंट्री कंप्लीट जाएगी। ये क्या बात है, यहाँ पैल स्पेयर कैसे आया? अच्छा, ये रेड के टाइम पे किसी ने ड्रॉप कर दिया होगा मेरे को। ओके, सामान रखने का टाइम आ गया, ये तो बेचना है ना, ये सोल्ड करने के लिए है, ये भी सोल्ड करने के लिए। ओके, ये भी सोल्ड करने के लिए है। मैं एक बार काम करूँगा, मैं जल्दी से मर्चेंट के पास ले आऊँगा और बेच के आ जाऊँगा। ओके, इलेक्ट्रिक ऑर्गन डालना है इसमें, और ये सारे मेडिसिन इसमें आएंगे, राइट? ठीक है, ओके, आई थिंक इतना ठीक है। ये देखो मैंने डिफाइन इनपुट बना कर रखा है, मेरे पास 10 लैब हो गई। वैसे मैं ऑफलाइन, जैसे कि मैंने बोला मैं डंजन वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे को मिल गई थी बहुत सारी। मैंने मस्केट भी रखा हुआ है यहाँ पर, मैं बेसिकली इसको बेचने का सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, मैं भी इमरजेंसी में मेरे को यूज़ करना पड़ जाए। आई थिंक ठीक है इतना। यस, इसमें एक और नहीं, ठीक है, बाकी सब यहीं पे जाएगा, जितने भी मेरे एग्स हैं। प्लस हमारे पास 3 टोमेटो सीड हो गए हैं फाइनली, अब मैं टोमेटो प्लांटेशन कर सकता हूँ। इसे कुक कर लेते हैं जल्दी से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जल्दी कुक हो रहा है, नाइस। ये नहीं, ये कहाँ भाग रहा है, ये तो खाने ही भाग गया एकदम। मोजरीना स्टीक, बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो नाइस, और आई थिंक वीट भी इकट्ठा हो गया होगा, तो मैं उसका फ्लोर बना लेता हूँ। 39, ओके, हो जाएगा, बढ़िया। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, देखते हैं। ये देखो स्पेयर वगैरह ड्रॉप रखे हैं, गोल्ड कॉइन, एरो मिल गई फ्री में, नाइस। मैंने अलग से ये बना रखा है ना हॉट इंस्टेंट आर्मर, मेरे को लगा कि मे बी हॉट वाली बायो मिल जाए मेरे को, तो वहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कोल्ड वाली बायो में वो तो नॉर्थ की तरफ है, इतना तो मेरे को पता था। तो बाकी अगर मैं कहीं लेफ्ट राइट जाता हूँ तो वहाँ पे तो मेरे को हॉट बायो मिली, इसलिए मैंने इसको बना के रखा था। लोग खा लेता है, मैं इसको इकट्ठा करके नहीं रखना चाहता। ओके, इसको रखते हैं, फटाफट बेच के आता हूँ मैं इसको स्मॉल सेटलमेंट के मर्चेंट के पास। कहाँ गया स्मॉल सेटलमेंट, ये रहा। मेरे को मैप भी याद हो गया थोड़ा बहुत कि कौन सा कहाँ पे क्या मिलता है। मैंने इतने सारे वो कुल्हाड़ी के मतलब पिकेक्स के मार्कर लगाए ना, मेरे को अब याद रखना पड़ेगा कि कोल कहाँ पे है, सल्फर कौन सा है उनमें से, और ओर के लिए मैंने कौन सा मार्क किया हुआ है। ये तो पैल मर्चेंट है, ये नहीं लेना है। दिस वन सेल,
ये और ये, यस नाइस। अब मेरे को ध्यान से खेलना पड़ेगा, ध्यान से मेरे को फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बुलेट में सिर्फ 14 एमओ है और बनने में भी बहुत टाइम लेती है बेंच में। सीरियसली मैं वो सिंगल शॉट राइफल बना लूँगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, ताकि एक बार डैमेज दूँ। और मैं फिर थोड़ा सा, वो भी स्लो ही है बेसिकली, उसमें भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि रिलोड टाइम स्लो है उसका, लेकिन उतना नहीं है जितना मस्केट का होगा। आई थिंक अगर मैं टेक्नोलॉजीज में जाऊँ, इसमें लिखा हुआ है टेक्स टाइम टू रिलोड, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मस्केट टाइम लेती है सीरियसली। क्योंकि मतलब राइफल को देख के पता चल रहा है यार, उतना टाइम नहीं लेगी। मतलब देख के तो ऐसे ही लग रहा है। मस्केट में तो पूरा वो कार्टेज निकाल के गन पाउडर डालता था, फिर वो स्टिक निकाल के गन पाउडर को प्रॉपरली अंदर लोड करता था। ये ग्लेस क्लो ने तो सबको दुखी कर रखा है। डंजन है यहाँ पे, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। मार्क तो हो जाएगा, नाइस। ओके, मेरे को आगे ही जाना है। अब बेसिकली मेरे को साइड से जाना चाहिए, साइड से मेरे को ये देखो ऐसे एग्स वगैरह मिल सकते हैं मेरे को। ये नॉर्मल एग है, नॉर्मल एग नहीं उठाना चाहता, पता चले मेरे को रिपीटेटिव आइटम मिल गया उसके अंदर से, मतलब रिपीटेटिव पैल मिल गया बेसिकली मेरे को। नया पैल भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नई लोकेशन है ना, नई लोकेशन से अगर एग उठाए तो चांसेस है कि उसमें से कोई नया पैल ही मिलेगा। ओके, मैं डेफिनेटली यहाँ आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एफिजी वगैरह थी, मैंने कैरी। हाँ, मैं यहाँ से आगे नहीं गया था, मेरे को याद आया। ऊपर टावर, मैं जल्दी से जाकर ना टावर अनलॉक कर लेता हूँ, ताकि मैं फास्ट ट्रैवल करके आ सकूँ यहाँ पे नेक्स्ट टाइम। और क्या वो कोल है? लग तो पिच ब्लैक रहा है एकदम। आई थिंक कोल ही है वो। हाँ, कोल है, कोल है, डेफिनेटली कोल है। ओके, मैं नीचे नहीं उतर रहा, मैं ऊपर से ही मार्क कर देता हूँ। डंजन बगल में है, चलो मैं ऐसे ही मार्कर ही लगा देता हूँ, मेरे को ऐसे भी याद रहेगा। वो चेस्ट है कि माइमो हो गया? आई थिंक चेस्ट है वो। नाइस, एरो मिल रही है बहुत सारी। इसमें गेम के डेवलपर्स को ना नया क्रॉसबो ऐड करना चाहिए, जिसमें कि मैं एक साथ में 5 से 6 शॉट मार सकूँ, जैसे कि हैंडगन में होता है। आई थिंक होगा भी इसमें, मैंने जब ब्लूप्रिंट्स आगे एकदम एडवांस में चेक नहीं किए मैंने, क्या पता हो। लेकिन वही है ना, अब धीरे धीरे से ऐसे लेवल अप कर रहा हूँ मैं, मेरे को वेपन्स वगैरह ही मिल रही है। नेल मिल रहा है मेरे को, डॉग कॉइन क्यों नहीं मिल रहे? मेरे को डॉग कॉइन चाहिए यार, ताकि मैं मर्चेंट से आइटम वगैरह ले सकूँ। ये वाला एक उठा लेते हैं। अरे वहाँ पे कोल है, नाइस। ओके, वो देखो नॉर्थ, नॉर्थ जैसे स्टार्ट हो ना, ग्लेशियर वगैरह दिख रहा है यहीं से बेसिकली, वहाँ से कोल्ड बायोम स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे वो है डॉग कॉइन का। तो मार्क कर पाऊंगा? नहीं, टावर के पास में है ना। चलो, मेरे को याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो है। उसका ध्यान नहीं है अभी। डॉग को ही मिला फाइनली, और हैंडगन एमो मिल गई, नाइस। मेरे को चाहिए भी थी। ओके, निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो वहाँ से कोल्ड बायोम स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरे को अभी उधर नहीं जाना चाहिए, इधर ट्राई करते हैं। वो डिजर्ट, मिनी डिजर्ट लग रहा है, क्या पता वहाँ पे हॉट बायोम हो। और मेरे को वहाँ पे बेसिकली मेरा मेरे इन्वेंटोरी में जो हॉट रेजिस्टेंट आर्मर है ना, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ यार। और नीचे भी वो है डॉग कॉइन के लिए, वहाँ पे एफएजी है कोने में, मेरे को याद से वहाँ पे वो भी है, वहाँ पर भी है।
क्या बात है, मेरे को एक्सपैक्स मिल रहे हैं। मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है ऑफलाइन पे इनको हैच करने में। लकीली अच्छा हुआ मैंने 3 इनक्यूबेटर बना रखे हैं, और अगर मेरा मन किया ना तो मैं एक और बना लूँगा इनक्यूबेटर, ताकि एक बार में 4। ठीक है, हैंड गन एमो मिल रही है यहाँ पे पड़ी हुई, बताओ। ये बायो मच्छी है, यहाँ पे अच्छा खासा लूट मिल रही है। नील, इनको ना परमानेंट करना चाहिए कि उस रैक में से डॉग कॉइन ही मिले, सीरियसली, क्योंकि भाई प्लेयर्स लाइक मी तो डेफिनेटली फार्म करेंगे। अरे मैं जब बेस में था मेरे को अपने स्टैचू ऑफ पावर चेक कर लेना चाहिए था, मे भी मेरे को वो मिल जाता, मे भी मैं लेवल 6 पे कर पाता अपना क्या कहते हैं कैप्चर पावर। ओके, डेफिनेटली हॉट की तरफ जा रहा है मेरा टेम्परेचर बार। ओके, आई थिंक मैं शर्ट पहन सकता हूँ। यस, मेरे को वेट के दिक्कत नहीं है, मैं ये लगा लेता हूँ। और अब हम अपना पहन लेते हैं हॉट रेजिस्टेंट आर्मर। ओके, पूरा वो बार ही चला गया हॉट का, तो ये बढ़िया हो गया। वहाँ पे एपीजी है क्या नीचे? अच्छा, यहाँ पे डूमंड मिलते हैं। ओके, अरे वाह, नई पैल्स, क्या बात है। ये बेसिकली जो साकुरिजा, पता नहीं क्या नाम है, साकुरा साकुरिजामा करके एक्सपेंशन अपडेट आया था बेसिकली पैल वर्ल्ड में पिछले मंथ पे, उस अपडेट के अंदर ये पैल आए थे, मैंने चेक किया था गूगल पे बेसिकली। ये और ये ग्राउंड टाइप है, मेरे को लगा ये फायर टाइप है, मैंने इसकी खाली फोटो ही देखी थी। क्रेजी, और बाप रे, और भाई ये चिड़िया है लिटरली। अरे रिलोड हो जा, टेक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉरगेट योर डाउट्स, टेक टू स्टेप फॉरवर्ड एंड फॉरगेट योर वरीज, टेक 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड फॉरगेट योर फियर्स, फेस एनी एनिमी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड टाइप पैल मिल सकते हैं अच्छे, जैसे कि डूमंड है। डूमंड तो मेरे को किसी भी बायोम में नहीं दिखा था पहले, मेरे को एक्स ही मिले थे डूमंड जितने भी मिले थे मेरे को। अरे मिस क्यों कर रहा हूँ मैं इतने पास से, मेरे को जूम जूम, अबे रिलोड ही नहीं हुआ, अभी तो हुआ था रिलोड। तो इसका भी वो है, प्रॉपर एनिमेशन जब तक नहीं होगा ना तब तक ये सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि मैंने रिलोड कर लिया अपने क्रॉस को। अच्छा लग रहा हूँ रेड पे, अबे मेरे को इसको वो मारने पड़ेंगे स्पेयर 2-3। नाइस, जैसे स्पेयर निकाला वैसे ही डर गया ये। और देखते क्या क्या है यहाँ पे, कोई बॉस भी हो सकता है। अच्छा हांग्यू है इधर, हांग्यू भी मिलता है। ओके, ओ अरे वाह, नया पहल, दो दो है, ध्यान से फाइट लेनी पड़ेगी। ये खतरनाक ही लग रहा है, इसके पीठ में जो स्पाइक है, अरे वे क्या कर रहा। यस, हेड शॉट, लेवल 20 है भाई। उसके पीठ में जो स्पाइक्स है ना वो रोटेट कर रहे हैं, वो अलग से रोटेट कर रहे हैं। ओबे क्रेजी भाई है, क्रेजी भाई ये तो बहुत क्रेजी है। नहीं, वाटर अटैक छोड़ देते हैं, आती है काफी फ्रेंडली होगा ये, क्योंकि वो वाला अलर्ट नहीं हुआ बेसिकली।
वरना वो भी मेरे को मारने लग जाता अभी। हाँ ये काफी, अरे नहीं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, उसके पे स्पाइक्स है लिटरली भाई, अब वो रोटेट कर रहे हैं। मेरे को एक तो स्पेयर चिपकानी पड़ेगी इसको। अबे भाई ये क्या चीज है। ये वाटर अटैक छोड़ रहा है क्या? मैंने गलती से इसको ही मार दिया था। मेरे को पहले वो मेगा स्फीयर यूज करना चाहिए था, मैं अपना वेस्ट करना चाह रहा हूँ ना नॉर्मल स्फीयर से। अगर मैं हार्ड स्किन ओके ओ ये भी हाई क्वालिटी पैल ऑयल ड्रॉप करते हैं, नाइस। अच्छा माई मोग है ये पानी में। अरे टोको 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 यहाँ पे मिलता है तो। भाई ये एक्सप्लोर तो नहीं होगा, लग तो रहा है जिस तरीके से भाग के आ रहा है, क्योंकि तो मेरा टोको टोको भी एक्सप्लोर होता था। अभी एक्सप्लोर वाली कोई हरकत करी नहीं है वैसे। ये आ तो रहा है भाग भाग के पास में। अबे नाइस, इस बायोम से तो डेफिनेटली एक उठाने वाला हूँ मैं। ऊपर से लार्ज जगह है, कोई बड़ा अच्छा पैल मिल सकता है। वाह यहाँ पर भी वो है, अरे कोल है वहाँ पे इकट्ठा, क्या बात है। सल्फर भी है, सल्फर तो मैंने बहुत सारी लोकेशन मार्क कर रखी है, आई डोंट थिंक मेरे को और सल्फर की लोकेशन मार्क करने की ज़रूरत है। डायर हॉल फ्लॉपी, फ्लॉपी यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे को लगा फ्लॉप यहाँ पे ये सारे पैल होंगे जो गर्मी सहन कर सकते हैं। भाई एक साथ कितना सारा कोल है भाई, ये जगह बहुत अच्छी है कोल माइन करने के लिए। अरे बॉस है यहाँ पे अनुबस, ओ इसका भी मैंने काफी टीजर ट्रेलर कैसे तो मैंने देखा था काफी। ये स्टैचू है क्या जिसके ऊपर से मैं जा रहा हूँ अभी? अरे हाँ ये स्टैचू है, अनुबिस का स्टैचू है भाई, ये क्या गॉड है क्या यहाँ का? वो देखो वो रहा लेवल 47 भाई, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। और वो माइमोक बैठा है उसके बगल पे वहां पे। मेरे को देखना रात को यहाँ पे डिफरेंट पैल स्पॉन होते हैं क्या रात के टाइम पे? अगर ऐसा होगा तो बहुत क्रेजी हो जाएगी लोकेशन तो। वो क्या नाम था उसका, डक टॉयज डैक टॉयज पता नहीं क्या था, लेकिन भाई वो तो बहुत ही क्रेजी था सीरियसली। ओके यहाँ पे बहुत सारा कोल है, यहाँ पे कोल माइन करना बढ़िया रहेगा। यहाँ पे सल्फर भी है, से टच में एक बायोम स्टार्ट हो रही है। नहीं बैम्बू वगैरह है ये तो, क्या क्या अबे भाई उन्होंने कैसे देख लिया इतनी हाइट में। ये बायोम डेफिनेटली बहुत अच्छी है सीरियसली।
वो लेदर है ना, लेदर उठा लेता हूँ, मेरे को लेदर चाहिए रहता है। आई डोंट थिंक अब मेरे को लेदर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे को रिफाइन इंपोर्ट वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनानी है बेसिकली। ओके आई थिंक इस एपिसोड के लिए इतना ही है। एपिसोड बहुत बड़ा हो गया, सीरियसली मैंने अभी नोटिस किया टाइम कुछ ज़्यादा ही, 1 घंटे से तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। लेकिन ये एपिसोड इतना एक्साइटेड हो गया था बेसिकली। हम तो मैं इधर से कंटिन्यू करूँगा गेम को, एंड और प्रॉपरली इस आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे हम, क्योंकि आई थिंक ये पूरा सेपरेट आइलैंड ही है, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लोर करके देखूँगा और क्या क्या मिल, क्या क्या नए पहल मिल सकते हैं हमें। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। सिया।